लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने के बाद यह साफ हो चुका है कि इस बार बीजेपी के लिए यह चुनाव आसान नहीं था। 400 पार के नारे और संकल्प लेने के बाद भी सिर्फ 240 सीट पर विजयी होना यह बात का साफ प्रमाण है कि इस बार बीजेपी को विपक्षियों ने करारा जवाब दिया है। हालांकि मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां का परिणाम बीजेपी के पक्ष में रहा और बीजेपी ने कांग्रेस को करारी शिकस्त दी है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर मध्य प्रदेश में बीजेपी के अलावा कोई दूसरी पार्टी अपना खाता क्यों नहीं खोल पाई, जबकि अगर यूपी की बात करें तो वहां का परिणाम बीजेपी के पक्ष में नहीं रहा। यहां तक कि अयोध्या को राम मंदिर देने के बावजूद भी बीजेपी को सीट नहीं मिली, क्योंकि राम मंदिर बनाने के बाद बीजेपी को उम्मीद थी कि वह इस बार इस सीट पर बड़ी अंतर से जीत दर्ज करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। इसी बीच उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अति आत्मविश्वास के कारण उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सीटें कम मिली हैं। हालांकि अभी की बात करें तो नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना त्याग पत्र सौंप चुके हैं और 9 जून को एक बार फिर से शपथ ग्रहण कर सकते हैं। इसके लिए भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA ने सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कई मंत्रियों एवं अधिकारियों को तलब किया जा रहा है। इस बीच यह भी आशंका जताई जा रही है कि शिवराज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का कार्यकाल भी 30 जून को खत्म होने वाला है। ऐसे में सियासी हलचल और भी ज्यादा तेज हो गई है। गौरतलब है कि इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ जीत नहीं मिली है, लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार NDA सरकार बनने का रास्ता भी साफ हो गया है। इस बीच कांग्रेसियों ने शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री बनाने की मांग की है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 8.21 लाख वोट से जीत दर्ज की है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत 1.52 लाख मतों से हुई है। ऐसे में अभी हर तरफ शिवराज सिंह चौहान छाए हुए हैं।